थ्री बी प्लस टू डी इलेवन, बी प्लस टू डी इज इक्वल टू फाइव। इसको भी माइनस माइनस माइनस, टू डी कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू सिक्स, सो b इज इक्वल टू थ्री। a b का भी, a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो c की वैल्यू हम लोग दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो c का वैल्यू आएगा आपका, c इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू आ जाएगा 2, और d इज इक्वल टू आपका आएगा 1। ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। अब इसके बाद क्या करना है हमको, मैट्राइसिस b हमको मिल गया, क्या b इज इक्वल टू हमको मिल गया, क्या मिल जाएगा, 0 3 2 1। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, इट मीन 0 3 2 1। अब ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 1 माइनस 3 2 जा 6, आपका क्या आ रहा है, माइनस 6। बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन, बहुत ध्यान से आपको देखना है, क्या दिया है, इफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू ए 0 माइनस 1 बी एंड बी डज नॉट इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो एक चीज वी नो दैट ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकाल लो, डिटरमिनेंट ए इससे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस 0, सो डिटरमिनेंट ए आपको क्या मिल गया बेटा, ए बी मिल गया, मतलब इसका वैल्यू हमको क्या मिल गया, ए बी। पुट कर दो वैल्यू, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डी जे, ए ए डी जे क्या है अपने पास, 0 ए 0 माइनस 1 बी, और ये क्या दिया है अपने पास, ए बी। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी ए बी अपॉन ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, क्या आ गया, वन। वन देखो कहां पे है, यहां पे है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए पार्ट हो गया। बहुत आसान है, केवल आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, अगर आपके माइंड में फॉर्मूला क्लियर है तब तो आप कर ले जाओगे, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाओगे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री। अभी क्या है, ऐसे क्वेश्चंस देखने पे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट बोलते हैं कि यार साइन कॉस आ गया तो बहुत टफ लगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, जो हम डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी जानते हैं उसको अप्लाई कर देंगे। सिंपली इसको ओपन कर दो, अगर अपने पास डिटरमिनेंट साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री और यहां पे दिया है कॉस 80 डिग्री, इसका हमको क्या निकालना है, व्हाट इज वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लो, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री माइनस इसका और माइनस फॉर्मूले का प्लस क्या हो जाएगा, कॉस 10 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। अब एक तुम लोग जानते हो कि साइन कॉस में इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाए ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए तो काम बन जाएगा अपना, तो साइन 10 डिग्री ऐसे ही रहने दो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये कॉस 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा साइन 80 साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 10 थीटा, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आएगा, आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन। वन कहां पे है, ये बी इज अ राइट आंसर। बताइए इसमें क्या है, देख के कुछ डरने वाली बात है, केवल आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखो, और ये आप देख रहे होगे कि ये 2008 2006 हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं,
अभी भी मैं आप लोग से बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जो लोग भी एनडीए के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड है, टिकट डिफेंस पे जाके दिलीप सर का क्लास लाइक और सब्सक्राइब करके रखो, आपको कंप्लीट पैकेज यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, क्या बोल रहा है, इफ, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये बहुत ही आसान होता है, इफ दिस वन इज इक्वल टू 20 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेटा, कभी कभी पी पूछता है, कभी एक्स पूछता है, कभी जेड पूछेगा, तो हमको क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं है बिल्कुल, हमको ये करना है कि हम क्या कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करना। ठीक है, देख लेते हैं, डायरेक्ट में करता हूं, टू ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट, 5 × 1 + 3 -0, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, -4। अगर इसको आप देखोगे, प्लस लिया, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट, फिर हमने प्लस 4 ले लिया, प्लस 4 लेने के बाद -4, ब्रैकेट स्टार्ट। अब जब -4 लोगे तो ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट, ये 0 से स्टार्ट होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, जब ये लोगे ये कैंसिल तो ये भी प्लस 0 से स्टार्ट होगा, तो जो भी लिखोगे 0 हो जाएगा। Is equals to क्या दिया हुआ है 20। देखो ये मैथ सॉल्व करने की टैक्टिक्स है कि किस तरीके से करना है। अब इसको खोल दो आप, 2 ब्रैकेट स्टार्ट, 5 + 5p = 20। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी ब्रैकेट ओपन कर दो, 10 + 10p = 20, 10p = 20 - 10, 10p = 10, p = 1। देखो p में कहीं पे 1 आ रहा है क्या? Yes. तो इसका आंसर p हो गया, p is a right answer। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन उसको थॉरोली रीड आउट करने के बाद। नेक्स्ट, व्हाट इज द इनवर्स। अब इसको देख के बहुत सारे लोग को डर लगने लगेगा, अरे यार इनवर्स कैसे निकलेगा, बराबर। तो इनवर्स इसका ऐसे निकलेगा, मैंने आपको ट्रिक बताया था, ए इनवर्स होता है ए डी जे ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो हम एडजॉइंट निकालते हैं, तो मैंने क्या बोला था, एडजॉइंट निकालने से पहले आपको एक बड़ा ब्रैकेट इस तरह से स्टार्ट करना है, फर्स्ट टर्म को ले लेना है 0, 1 को, तो क्या हो गया 1, उसके नीचे 0 0 1, ठीक है, क्या किया 1 0 0 1। फिर हमको कहां जाना है, उसके राइट साइड में 0 0 1 0, फिर 0 1 0 0। और मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि क्या हो गया 0 0 0, फिर हमारा आ जाएगा 0 1 0, और यहां पे फिर से 0, फिर फर्स्ट वाले को रिपीट 1 0 0 1। अब इसको क्या करो, ब्रेक कर दो, ये इसका इसका मल्टीप्लाई 0 × 1 0, ये भी 0 छोड़ दो, 0 × 1 0, 0 × 0, ये भी 0, 0 × 0, और ये आ गया आपका माइनस, ठीक है, फिर ये और ये 0 × 1 0, 0 × 0, फिर 0 × 0 0, ये क्या आ गया आपका -1। अब देखो इस तरह से सेट कहां मिल रहा है, आगे चलते हैं, इसमें 0 × 1 0 0 0 0, फिर यहां पे 0 × 0 1 × 1, ये क्या हो गया -1 हो गया, फिर 0 और फिर ये भी 0 आ गया। तो ये आपको क्या दिख रहा है, इस तरह का, देखो मेरे को तो आंसर यहीं से दिखने लगा कि मुझे यहां कहीं पे डी आंसर लग रहा है, ये मेरा गेस है, आपको कुछ नहीं करना है, ये मेरा गेस है, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। डिटरमिनेंट ए कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बोला था जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट, ये फर्स्ट ले लो 0 0 1, देखो एक लाइन में आंसर आ रहा है,
और जो एडजॉइंट आया है उसका फर्स्ट कॉलम, मतलब जीरो जीरो माइनस, सॉल्व मल्टीप्लाई कर लो, जीरो इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो, और ये क्या होगा वन इंटू वन वन, आंसर क्या आ गया वन। अब इस फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं, एडीजे ए की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन जीरो, जीरो जीरो माइनस वन डिवाइडेड बाय वन, ये कौन सा आंसर है आपका, डी आंसर है, आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। इनवर्स पांच मिनट के अंदर निकल गया, पांच मिनट भी नहीं लगा, केवल एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लेट ए इज इक्वल टू दिस वन, ए बी इज इक्वल, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ये आपको खुद से करना है, मैं दिखा भी देता हूं कौन से वाले से ये रिलेट करेगा। सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड और जो सिक्स है, ये आपके लिए होमवर्क है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ फाइव एंड सेवन आर द रूट ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द थर्ड, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है आपको जब मैं थ्योरी ले रहा था। तो आज के इस टेस्ट सीरीज में मैं दो क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो मैं पहले ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा, आप लोग उसको मैच करिएगा कि जो मैंने किया है वो राइट है या रॉन्ग है। आई होप आज का भी आपका ये डाउट सॉल्विंग सेशन टेस्ट सीरीज सेट नंबर टू आपको कुछ समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस आता है। जब भी मैंने एक ट्रिक बताया है कि जब भी आप एनडीए के कोई भी क्वेश्चंस किसी भी सेक्शन को सॉल्व करो, एकदम कूल माइंड से पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, क्योंकि क्वेश्चन के रीड करने में ही सबसे ज्यादा उसका आंसर निकलता है। अगर आप प्रॉपर क्वेश्चन रीड नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। और लास्ट में मैं जाते जाते ये बोलना चाहूंगा, एक मैट्राइसिस का एक सेट में और लेने वाला हूँ टेस्ट सेट, सेट नंबर थ्री, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का साइमल्टेनियसली थियोरी का लेक्चर हमारा चालू है, टिकर डिफेंस में जाके आप उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।